हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप साबूदाना। सबसे पहले हमको इसको वॉश करना पड़ेगा। इसको हम धोएंगे, 2 से 3 बार इसको हम धोएंगे, जिससे इसमें लगी हुई जो भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी, जो एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो भी निकल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो जिस कप से आपने साबूदाना डाला है उसी कप से आप इसमें 1 कप पानी डाल दें। तो इतना पानी हमको डालना है कि साबूदाना बस डूब जाए, और जिससे ये जब तैयार होगा भीगने के बाद तो एकदम खिला खिला तैयार होगा, स्टिकी नहीं होगा और खिचड़ी भी खिली खिली बनकर तैयार होगी। अब हम इसको ढककर छोड़ देंगे 2 या 3 घंटे के लिए, भीगने देंगे इसको। तो ये देखें, यहाँ पर 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और साबूदाना ये देख सकते हैं आप कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। एक भी दाना इसमें स्टिकी नहीं है। तो आप एक दाना लेकर इस तरह से दबा के देख लें, ये अंदर से एकदम भीग चुका है, ये देखें। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी, क्योंकि हम फास्ट के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो अगर आप ऑयल खाते हैं तो ऑयल डाल सकते हैं। घी जब गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे कच्ची मूँगफली और इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। मूँगफली रोस्ट हो चुकी है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 इंच बारीक कटी हुई अदरक, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो अगर इनमें से आप कोई भी चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे आप टमाटर नहीं खाते हैं या बाकी और भी चीज़ें जो मैं डाल रही हूँ वो नहीं खाते हैं, तो वो आप स्किप कर दें। और टमाटर को हम बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं, थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रहने देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉईल किए हुए आलू, और 1 आलू मैंने लिया है यहाँ पर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। और अब हम इसमें मिला देंगे साबूदाना, जो मूँगफली हमने रोस्ट करके रखी है उसको मिला देंगे, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड में हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नींबू का रस और हरी धनिया, और बस इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर तैयार हो गई है साबूदाना खिचड़ी, बहुत ही अमेजिंग बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम खिली खिली बनकर तैयार होगी अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें और मुझे कॉमेंट करके अपने फीडबैक दें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।